फोर्थ क्वेश्चन पे तुम्हारा हो चुका था, ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। POQ is a line, उन्होंने क्या बोला है? POQ एक line है। अब हो सकता है कि कईयों के स्कूल में क्या हो, क्वेश्चन में फिगर ही गिवन ना है, हमें इसी इंफॉर्मेशन से फिर फिगर भी खुद बनानी पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, ट्राई किया करो कि हम फिगर खुद बना पाए, ठीक है। चलो POQ कहते एक लाइन है, तो अगर आप लाइन प्लॉट ड्रॉ करेंगे, सॉरी तो ऐसे ड्रॉ करेंगे POQ एक लाइन बना देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, तो मतलब बिल्कुल सीधा ओ आर ये रे होगी, तो मतलब हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। चलो इसके बाद कहते हैं ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है, वो क्या है OS. देखो बनती ना ये फिगर, ठीक yes, है। तो अगर फिगर नहीं बनेंगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, समझ आ गई सभी को कि ये मेरा 90 है, ऑब्वियस ही बात है बेटा ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है, तो चाहे हम ये वाला एंगल देखें चाहे ये वाला देखें, दोनों ही क्या आएंगे 90, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट आर ओ एस, मतलब ये वाला एंगल हो गया आर ओ एस, ठीक है। आर ओ एस बेटा कौन सा एंगल है, ये वाला, ये एंगल है आर ओ एस। आर ओ एस इज हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अभी तक तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें तुम्हें प्रूफ दैट वाला ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो। अभी तक हमने प्रूफ दैट वाले भी जो किए हैं ना, उसमें हद से हद हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया है, दो एंगल्स गिवन थे इक्वल, बाकी के दो को एक्सटीरियर वाले एंगल्स को हमने इक्वल किया था, या फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रूफ किया कि AOB हमारी लाइन होगी, ऐसा प्रूफ हमने अभी तक नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है गिवन लिखेंगे, चलो गिवन टू प्रूफ में नहीं पे लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, एक तो ये गिवन है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, OR हमारा परपेंडिकुलर है PQ के, और क्या गिवन है बस, बाकी POQ is a line, ये सब कुछ तो इतना important नहीं है, हमारे काम आने वाला तो नहीं है, फिगर हम बना चुके हैं वहां से, ठीक है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल ROS is half of एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ध्यान से सुनना मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगी, देखो पहले मैं QOS निकाल लूंगी, फिर मैंने निकाल लेना POS, फिर मैं उन दोनों को क्या कर दूंगी minus. और मेरा वहां से आंसर निकला, बात समझ आई। पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं निकाल लूंगी QOS, ठीक है, एंगल QOS निकाला, फिर मैंने क्या किया एंगल POS निकाल देना, फिर मैंने क्या कर देना है इन दोनों को माइनस, वहीं से मेरा बस प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो इसका वर्किंग मेथड क्या रहेगा, हमने पहले निकालना है QOS, ठीक है। चलो हम निकाल लेते प्रूफ पे आ जाओ, पहले हम निकाल लेंगे QOS। अब QOS हमारा निकालने के लिए ध्यान से देखो बेटा, ये वाला एंगल है हमारा QOS। अब आप सोचोगे कि मैम हमें तो एंगल ही नहीं गिवन है, हम निकाल लेंगे कैसे, कोई बात नहीं, हमारा जो QOS है मैं ये दो एंगल्स को प्लस करके निकाल लूंगी QOS को, ध्यान से देख लो ये QOS एंगल है QOS। अगर मेरे को ये एंगल निकालना है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल करके टोटल QOS एंगल आ जाएगा, तो मेरा QOS किसके इक्वल आ रहा है, ROS में मैं क्या ऐड कर रही हूँ ROQ, ठीक है। QOS के लिए मैंने क्या किया, ROS में मैंने ऐड कर दिया ROQ। अब ये जो ROQ है ये कितना गिवन है, 90 गिवन है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90, ROS प्लस क्या हो गया 90 डिग्री, ये मेरी QOS की वैल्यू आ गई, बस मैं इसको यहीं पे ही छोड़ दूंगी, ठीक है। अब मेरे को निकालना है POS। अब ना यहाँ पे मैं पता है क्या कर रही हूँ, देखो मुझे इतना पता है कि मेरे प्रूफ में ना ROS आना चाहिए, तो मैं भी थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखा दी कि QOS निकालने के टाइम में ROS उसके बीच में ले आई, बाद में मैं इसको इधर उधर करके प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो ROS हम बीच में ले आए, कैसे लेके आए, अब QOS था, मैंने कहा ये दोनों एंगल्स की प्लस होएगी, तो ROS ये वाला एंगल था और ये 90 डिग्री था, तो ROS और 90 डिग्री प्लस
बनेगा QoS, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट बात क्या है POS की, मतलब जो एंगल ये बचा हुआ है। अब हम सोचेंगे कि ये निकाल लें, अब ये निकालने के लिए क्या करें, ये निकलना पड़ा देखो ध्यान से सुनो, एक मिनट बस सुनो। ये तो एंगल था दो एंगल्स की एडिशन हमने कर लिया, बट ये एंगल तो कल्ला पड़ा है, पीओएस तो हमारा बिल्कुल ही अकेला पड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है ध्यान से सुनना, मैं पता क्या करूंगी, इस पूरे एंगल में से मतलब ये वाले पूरे पार्ट में से मैं ROS को क्या कर दूंगी माइनस। ये देखो मैंने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो कौन सा एंगल आ रहा है, POS आ रहा है। बात समझ आई मेरी, मैं दोबारा एक बारी फिगर बना देती हूँ अगर नहीं यहाँ से समझ आ रहा। तो हमारा ये P है, O, R और ये बड़ा हुआ है S, ऐसे है। मेरे को चाहिए ये वाला एंगल POS। अब QoS में तो ना बेटा दो एंगल्स आ गए थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, पर POS तो पड़ा ही अकेला है, इसमें क्या ऐड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एंगल में से, ये पूरा एंगल कौन सा है, ROP है, ये ROP एंगल है जो कि कितना गिवन है 90। मैंने ROP में से माइनस कर दिया किसको, ROS को, मतलब ये वाला एंगल मैंने क्या कर दिया माइनस, ये ROS वाला एंगल क्या कर दिया मैंने माइनस, तो क्या आ गया POS। तो ROP में से मैंने ROS को क्या कर दिया बेटा माइनस। अब ये जो ROP एंगल था ये OR परपेंडिकुलर था, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो इट इज 90 डिग्री माइनस ROS, ठीक है। दोबारा सुन लो बेटा क्या किया हमने, हमारे पास ये फिगर हमें उन्होंने गिवन की थी, गिवन ना भी की हो इन्फॉर्मेशन से हम बना लें, ठीक है। अब इस फिगर में हुआ क्या, इस फिगर में हमें POQ एक लाइन गिवन थी, OR परपेंडिकुलर था, POQ एक लाइन थी जिसमें OR परपेंडिकुलर था, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होने वाले हैं 90। अब कहते हैं एक OS रे और है जो कि OR और OP के बीच में है। पहले मैंने निकाला यहाँ पे QoS, तो QoS निकालने के लिए मैंने इस एंगल में ये वाला एंगल क्या कर दिया ऐड, तो उससे मेरा QoS आ गया, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, समझ आया, QoS निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इट इज ROS प्लस ये वाला एंगल कितना था 90। अब POS ये एंगल अकेला पड़ा हुआ है, इस एंगल को निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये पूरे एंगल में से ये पूरा ROP लिया और ROP में से ये वाले एंगल को क्या कर दिया माइनस, ठीक है। ये पूरा एंगल निकाला, इस पूरे एंगल में से ROS को क्या कर दिया हमने माइनस, तो कौन सा एंगल आ रहा है POS, ठीक है। तो ROP लिया, पूरा एंगल लिया, उसमें से ROS को क्या कर दिया माइनस। अब ROP कितना था 90 डिग्री, वो पुट कर दिया, जिसकी वैल्यू पता थी पुट कर दी, ROS की पता ही नहीं है हमें, तो एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले मैं निकाल लूंगी QoS, निकाल लिया, फिर निकाल लेंगे POS, निकाल लिया, अब इन दोनों को क्या करना है माइनस, चलो करें माइनस फिर, yes। तो अब हम 1 और 2 को क्या करने लगे हैं माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, जब भी दो इक्वेशंस को माइनस करना है हमेशा ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, तो QoS माइनस हो जाएगा POS इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट हमारा पड़ा है ROS प्लस 90 डिग्री, ठीक है, माइनस ये वाला पार्ट जो कि है 90 डिग्री माइनस ROS, ठीक है। पहले QoS माइनस POS, ठीक, इसके बाद दिस पार्ट माइनस ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड थी इधर की QoS, माइनस हो गया POS, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, अब राइट हैंड साइड माइनस करने क्या करने के लिए क्या किया, ये वाले पार्ट में से माइनस किया ये वाला पार्ट, बस 1-2 ही किया, ये देखो ये 1 वाला पार्ट है, ठीक है, माइनस ये 2 वाला पार्ट है राइट हैंड साइड के हिसाब से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से ये फर्स्ट पार्ट है, माइनस ये सेकंड पार्ट है, लगी बात समझ, किसी को कोई डाउट बेटा, रिपीट करूं,
सबको समझ आ गया? चलो तो ये हो गया हमारा आर ओ एस प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस आर ओ एस. अब 90 माइनस 90 तो कैंसिल हो गया. ओके आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो गया? टू आर ओ एस. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस. तो टू इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो वो हाफ हो गया. यहाँ पे आ गया क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस. हेंस क्यू. ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पहले हम क्यू ओ एस निकाल लेंगे पी ओ एस निकाल लेंगे फिर दोनों को क्या कर देंगे माइनस. बाहर से मेरा आंसर आ जाएगा. माइनस करने के टाइम यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि बीच में माइनस और ब्रैकेट्स लगा देना. दो टर्म्स है तो साइन चेंज होनी है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आर ओ एस प्लस आर ओ एस टू आर ओ एस हो जाएगा. फिर टू इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. समझ लगी बात? और इसके साथ हमारा प्रूफ हो गया खत्म. बिल्कुल बेटा, हमें यही तो प्रूफ करना था कि आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस माइनस पी ओ एस. डन? नो डन. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे फिगर नहीं गिवन, हमें खुद बनानी. दोबारा पढ़े? भूल गए ना, क्योंकि अभी तक क्या पढ़ा था? ये पढ़ा है कि एक्स वाई जेड कितना है? 64. तो पहले तो एक्स वाई जेड बना लेते. ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड. तो ये कहते हैं ये वाला एंगल कितना है? 64. ठीक है, एक्स वाई जेड 64 बना लिया. कहते एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी. एक्स वाई प्रोड्यूस करना मतलब उसको बढ़ाया है. एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पी. एक्स वाई को हमने किस पॉइंट तक लेके गए हैं? पी. अच्छा, मैं इसको इधर नहीं लेके जा सकती? उन्होंने बोला है कि एक्स वाई को हमने बढ़ाया पी पॉइंट तक. अगर वो ये कहते ना कि वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड, उन्होंने बोला ये मेरा एक्स है ये वाई है. एक्स वाई ऐसे था, एक्स वाई यहाँ से इधर आया, एक्स वाई इसको हमने बढ़ाया. अगर इन केस वो ये बोलते कि वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड तो क्या होता? वाई हमारा ऐसे जाता, वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, वो ऐसे जाता. एक्स वाई बोल रहा है तो एक्स वाई हमारा ऐसे आ रहा है तो इधर ही प्रोड्यूस होगा. अगर बोलते वाई एक्स तो वाई एक्स हमारा ऐसे था तो हम उसको ऐसे प्रोड्यूस करते. लगी बात समझ? Yes, ठीक है. अच्छा, अगर वो कहते हैं z y is produced to, तो हम z y से होते होते इधर चले जाते. ठीक है, अगर बोलते y z तो इधर चले जाते. ठीक है, और इसी के साथ मेरी फिकर का कबाड़ा हो गया. दोबारा हम रखते चलो. अब पहला पॉइंट है कि एक्स वाई जेड हमारा है 64 डिग्री. तो ये हो गया एक्स वाई जेड विच इज 64 डिग्री. एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी. इतना समझ आ गया? ओके. इसके बाद कहते हैं ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इफ रे वाई क्यूब. अब एक रे बनानी है मेरे को वाई क्यूब. बाइसेक्ट्स जेड वाई पी. जेड वाई पी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? वाई क्यूब. तो obviously बात है ऐसे जाएगा. अब bisect में मैंने तुम्हें क्या बोला था? अगर ये वाले एंगल को yq ने bisect किया तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है? इक्वल है. ठीक है, bisect का मतलब मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन बेटा जब ये करवाई थी इंटरसेक्ट और bisect का डिफरेंस समझाया था. इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कि वो सिर्फ और सिर्फ मीट करेगा. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? कि टू इक्वल पार्ट्स में उसको वो डिवाइड भी करेगा. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एंगल है जैसे अब अपन जेड वाई पी ये वाला एंगल अपन मान लेते हैं तो वाई क्यू ने अगर इसको बाइसेक्ट किया है मान लो ये पूरा 60 डिग्री था तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? 60 के हाफ 30 हो जाएंगे.
ठीक है, या तो सीधा ही सोच लो 30-30 हो गए, या फिर 60 का हाफ कर दो, कितना आया 30, दोनों एंगल 30-30 हो गए, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, अब एंगल भी बाइसेक्ट होते हैं और लाइन भी बाइसेक्ट होती है, तो लाइन में क्या आएगा, लेंथ इक्वल हो जाएगी। जैसे अगर मैंने कह दिया इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब ये 5-5 हो जाएंगे, जो भी लेंथ होगी उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, फाइंड एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब मतलब एक तो ये पूरा एंगल ही निकालना है, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स, तो पहले तो क्यू बाई पी निकालना पड़ेगा, मतलब मेरे को एक ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, क्यू बाई पी आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या कर देना है 360 में से उसको माइनस। ओके अब पहले तो लिखो गिवन क्या क्या है हमें, एक तो गिवन है एक्स वाई जेड हमारा 64 है, फिर हमें गिवन है कि वाई क्यू ने बाइसेक्ट करा है एंगल जेड वाई पी को, बस टू फाइंड में क्या निकालना है मेरे को एक्स वाई क्यू और मेरे को निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन के लिए मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगी कि जो मेरा वाई क्यू है उसने बाइसेक्ट करा है एंगल जेड वाई पी को, therefore यहाँ पे एंगल वन ले लो, इसको एंगल टू ले लो, therefore एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू हो गया, ठीक है, क्योंकि वाई क्यू ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट करा मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि लेट कर लो कि एंगल वन और टू मेरे क्या है ए, लेट कर लो, ठीक है, मान लिया कि ये भी ए है और ये भी ए है। अच्छा अब इन सारे एंगल्स का सम कितना आएगा, यहाँ से 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 होएगा, और इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, आपने शॉर्टकट नहीं यूज करना, आप स्ट्रेट लाइन पूरा लिख के आओगे, एसटी नहीं लिखोगे आप। 64 डिग्री प्लस एंगल 1 कितना आएगा ए, एंगल 2 की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 180, तो 2a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180, 64 उधर जाके माइनस 116, तो a की वैल्यू इधर 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू 58 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब मेरे को निकालना था x y q, तो मेरा x इधर ध्यान दो बेटा, x y q क्या आएगा 64 प्लस एंगल 1, यस मैम, 64 डिग्री प्लस एंगल 1 आएगा x y q, तो ये क्या हो जाएगा 64 डिग्री प्लस a, और a की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया 122 डिग्री, ठीक है। अब मेरा जो q y p एंगल है वो कितना है a के इक्वल, ये देखो q y p 2 है और 2 किसके इक्वल है a के, और a की वैल्यू कितनी निकाल ली है 58 डिग्री, तो यहां से अगर मेरे को रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना होगा वो क्या आ जाएगा 360 माइनस 58 कितना आ गया 302, खत्म, बस ये दो पार्ट से तो करने थे, बात समझ आई, ठीक है। उन्होंने बेटा एक्स वाई क्यू पूछा था तो वो 64 प्लस 1 आना था, तो दोनों को ऐड किया, ए की वैल्यू हमने कहां से निकाली, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को मैंने ए मान लिया, ठीक है, तो 1 हमारा 58 आ गया, 2 भी कितना है 58, अब अगर ये 58 है इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 में से माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा इसका ना फिगर का एक और भी पार्ट बन सकता है, मतलब किसी और वे में भी बन सकता है, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, अब आप हमने क्या लिया था एक्स वाई जेड ऐसे लिया था हमने, ये एंगल एक्स वाई जेड ऐसे लिया था, अच्छा अब मान लो कि कोई एक्स वाई जेड ऐसे बना देता, एक्स वाई जेड कोई ऐसे भी तो बना ही सकता था, हमने एक्स वाई जेड को ऐसे नेमिंग दी है, अब कोई नेमिंग एक्स वाई जेड को ऐसे भी कर ही सकता था कि ये 64 डिग्री है, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है, तो इस तरफ जाता कहां तक प्रोड्यूस किया है पी तक, ठीक है। अब जेड वाई पी का बाइसेक्टर कौन था, क्यू वाई, ओ हाँ हाँ वाई क्यू,
वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल फिर क्या होते हैं इक्वल, मतलब ये हमारा जेड वाई टू वाला एंगल वन, ये एंगल टू, तो इन दोनों को हम क्या ले लेते फिर, तो ऐसी भी फिगर बन सकती है ये भी। और तुम ध्यान से देखो ये दोनों फिगर्स सेम ही है। इमेजिन करो मैंने ये लाइन उठा के ऐसे रख दी, घुमाओ जरा इस फिगर को, घुमा सकते हो अपने इमेजिनरी मतलब अपने माइंड में घुमा के देखो, अगर हम इसको फिगर को उठा देंगे तो ये ऐसे ही बन जाएगी, ठीक है। मतलब तुम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके अपनी कॉपीज को टेढ़ा करो, अपनी कॉपीज पे इसको बनाओ और उस कॉपी को रोटेट कर दो, देखना ऐसी फिगर ही बन रही हुई बन रही है ना, ठीक है। तो ये भी फिगर सही है, ये भी सही है, रॉन्ग कोई नहीं है। ओके डन।